अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, गुड मॉर्निंग एंड विंटर वेकेशन आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं। खैर, मैंने इसीलिए एक बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक सा प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया है। यू कैन इजीली मेक दिस प्रोजेक्ट। आप लोग देख सकते होंगे कि आप लोगों को विंटर वेकेशन के होमवर्क में नाउ एक ये चार्ट पेपर फोल्ड मिला है और एक ये ब्लू कलर का पेपर मिला है। अब इससे करना क्या है आप लोगों ने, देखते हैं हम आज हम क्या बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप खुद भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बहुत इजी और बहुत अच्छा यूनिक सा है। चले मैं इसका नेम अभी बताऊँ या बाद में? चलें ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट, नेम बाद में। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से फोल्ड करके मैंने पेपर दिया। इस ब्लू पेपर को हम साइड पे कर देते हैं, ये फोल्ड करके मैंने आपको पेपर दिया। ठीक है, अगेन आपने इसको एक बार फोल्ड कर लेना, अगेन आपने इसको एक बार फोल्ड कर लेना, अगेन आपने इसको फोल्ड कर लिया। बच्चों ये फोल्ड हो गया। ठीक है, ये फोल्ड हो गया। अब आपने क्या करना है, यूँ इस तरीके से इसकी इसको क्रॉस कर लेना है। क्रॉस कर लिया आपने, अब ये जो एक्स्ट्रा शीट है हमने से कट कर ली। ठीक है, मैंने आपको किस तरीके से पेपर दिया है, मैंने आपको इस तरीके से पेपर दिया, आपने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद इसको ट्रायंगल शेप दे दी। ट्रायंगल शेप देने के बाद आपने क्या कर देना, इसको एक्स्ट्रा पीस को सीजर से कट कर लेना। कट हो गए, अब इसके बाद हम इसके स्क्वायर पीस कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से। ठीक है, ये ट्रायंगल कटिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, बस इस तरीके से। देन अगेन फिर हमने इसके अंदर सीजर डाल के इस तरीके से, कितने पीस हो गए टोटल काउंट कीजिए, ये भी कट करना है हमने। टू, ये टू पीसेस हो गए। अगेन ये भी टू हो गए। ये टू हो गए। देन इसके बाद आप ये देख सकते हैं, आप इसको अगेन हमने यहाँ से कट कर लेना है। ये कटिंग शो हो रही होगी आपको, ये देखें इजीली, और ये कटिंग। ओके क्लास टू, ये देख सकते हैं आप कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल ये 8 हो गए। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसके कोन बनाने। कोन पता है किसे कहते हैं, आइसक्रीम कोन होते हैं ना, इस तरीके से आपने कोन बनाने। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने लगाना है ग्लू। क्या लगाना है, यहाँ पर ग्लू, इस साइड पे ग्लू लगा के आपने इस तरीके से इसको, ये देखो ग्लू लगा लेना। ठीक है, ग्लू लगा के आपने ये शेप दे देना है, कोन का शेप, समझ में आ रहा है। टोटल 8 है ना, आपने 8 किसी तरीके से कोन का शेप, किस तरीके से ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये आप लोगों की होगी। आपने एक पेपर इस लाइन तक लेके जाना है, दूसरा इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों ने लेके आना है, और आपने यहाँ पर लगा देना है ग्लू। क्या लगा देना है बच्चों, ग्लू। ओके क्लास, ये ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं ईजीली, देखेंगे ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से मैं फिर से आपको, इसीलिए मैंने पहले विदाउट ग्लू आपको समझाया था, अपने ग्लू लगाऊंगा। ठीक है, अब हम ग्लू लगाएंगे यहाँ इस पार्ट पे, हमने ग्लू लगा देनी है, और फिर इसको इस तरीके से आप लोगों ने हाथ से थोड़ी देर पकड़ के, मतलब थोड़ा वेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये ड्राई हो जाए, और आपने अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ लेना है। समझ में आ रही बात, बस इसे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहें, आपके घर में ग्लू गन है और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि ग्लू गन बहुत ही हॉट होती है, तो आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है, ज़्यादा हाथ उससे जल सकते हैं, तो बेटर ये है कि आप इस तरीके से ये वाली ग्लू यूज़ कर लेंगे, बट इसको थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया क्लास, मैंने पहले से ये इस तरह के 8 से, ये देखें ये मैंने पहले से ही 8 कॉन्स रेडी कर लिए। ये 8 कोन आप लोगों के रेडी हो चुके हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये 8 कोन आप लोगों के मैंने रेडी कर दिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है, बहुत इजी है। आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से स्टेपलर करना है, ये देखें हम वन इस इन 8 कोन्स को हम साइड पे करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, ये 8 कोन आपने ग्लू लगा के रेडी कर लिए। ठीक है, ये रेडी मैंने पहले से कर लिए थे। ठीक है, क्योंकि ग्लू ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये देखें कॉर्नर्स को सही तरीके से रखना है, कॉर्नर कॉर्नर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉर्नर्स का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे ना हो कि यूं यूं, नो, इस चीज़ का बहुत आपने ख्याल रखना है कि ये इस तरीके से कॉर्नर है। समझ में आ रही, अब आपने क्या कर लेना है, स्टेपलर अगेन। अब एक
कोड आपने इस तरीके से रखना है, सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। फ्लावर्स इस तरीके से नहीं रखने हैं, नो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखना है। उसके बाद एक और, मैं टोटल 5 यूज़ करूँगा, कितने, टोटल 5 कौन यूज़ करूँगा, कितने कौन यूज़ किए मैंने क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमने 5 कौन यूज़ कर लिया, हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्रेड, क्या यूज़ करेंगे, धागा, ठीक है, धागा। आपके घर में कोई भी ट्रेड हो, ऊन का हो या इस तरीके का, ये जो ये सुई धागे का जो धागा होता है वो हो आपके पास, कोई भी धागा हो, आपने क्या करना है, आपने अब ये जो 3 cones हमारे रह गए ना, 3 cones, आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर एक छोटा सा होल्ड करना है, क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, या इस साइड पर आपने छोटा सा, आपने ये देखें, अगर आप चाहें तो सुई में धागा भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये सुई है, ठीक है, इसमें आपने धागा डाल देना है और आपने इसके अंदर से इस तरीके से आपने निकाल लेना है। ये बहुत केयरफुल तरीके से आपने करना है, आप अपनी मदर की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा होल्ड करके मैंने एक होल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो एक होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद यहाँ एक धागा हमने लगा देना है, किस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए मैंने एक धागा लगा दी, नाउ लुक एट दिस, दिख रहा है आपको, ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, देखें इस तरीके से, इस तरीके से आपने इन तीनों पर धागे लगा लेने हैं, ठीक है। ओके क्लास, हमने उस पर धागे लगा दी थी, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर हम जो है वो ग्लू लगा लेंगे। ये एक छोटा सा हम कार्डशीट यूज़ करेंगे, हम छोटी सी एक कार्डशीट का पीस ले लेंगे, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर इसके बैक में, दिखाऊं मैं किस तरीके से होगा, ये देखें, यहाँ आपने पीस पेस्ट कर देना है और इसके बाद जो है एक फ्लावर, ये अब हमने हमने ये ब्लू वाला पेपर यूज़ करना है, हमने ये ब्लू वाला पेपर यूज़ करना है, ये भी फोल्डिंग ही होगा, सेम उसी वे में आपने कर लेना है इसको, उस तरीके से इसी तरीके से ट्रायंगल का शेप देंगे, ट्रायंगल का आपने शेप दे दिया, ट्रायंगल का शेप देने के बाद आपने इसको कट कर लिया, क्या कर लिया, कट कर लिया, कट करने के बाद इसको ओपन कर देंगे, ट्रायंगल का शेप देके इसको ओपन करने के बाद इसको 4 times फोल्ड करेंगे, फोर टाइम फोल्ड करेंगे, ठीक है, और ये ट्रायंगल शेप। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसकी फ्लावर की कटिंग करनी है, एक वो कहते हैं ना पानी की बूंद होती है या बारिश का कुछ इस तरीके से जम, इस तरह लीव भी कह सकते हैं आप, इसे कुछ भी कह सकते हैं, आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्लावर। और ये फ्लावर हमने कहाँ पे अटैच करना है, यहाँ पर। अब किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लावर है, आपने क्या करना है, सीजर से इस तरीके से इसको गोल कर लेना है, देखें ये सीजर रखी और ये हल्का सा थंब, देखिए इसमें और कितना डिफरेंस हो गया, ये कर्व नहीं हुए। अब हम इसे जल्दी जल्दी से कर्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियो, ताकि आप इजीली प्रोजेक्ट को देख सकें और बना सकें, ठीक है। अब हमने आपने क्या कर लेना है, अब हमने जो है ये स्टिकर जो है एक सर्कल ग्लिटर आपने कटिंग करके यहाँ सेंटर में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा लेना है और इस फ्लावर को इस तरीके से क्रॉस में आपने रेडी कर देना है। ये
ये फ्लावर रेडी है। अब हम इस फ्लावर को साइड पे रखेंगे और अब जो है हमने जो ये धागे से ये जो ये हैंग करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर इस साइड पर हैंग करेंगे, इसके बैक पर टेप से या ग्लू गन से किसी भी चीज़ से हम इसको यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगेगा, ये देखें क्या करेंगे हैंग करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो टेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे पास ग्लू गन है बट मैं ग्लू गन नहीं यूज़ करता, अब आपने वेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने ये जो तीन है ना ये आपने यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है, इसके ऊपर। चले अब मैं एक मिनट इसको ग्लू गन से स्टक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस तरीके से। नाउ लुक एट दिस ग्लास, मैंने क्या किया है इसे ग्लू गन से इजीली, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए, देखिए मैंने ग्लू गन से ये जो है छोटे इसको यहाँ पे ये देखें स्टक कर दिया, ठीक है, और एक 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 ये चीज़ भी बना दी ताकि ये हैंग हो सके। ओके क्लास, अभी आपका रेडी हो गया प्रोजेक्ट, मैं आपको उसको शो कर रहा हूँ कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट आपका बन चुका है। ये देखें आप, लुक एट दिस, ये देखें आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। ओके क्लास, अब ये देखें मैंने इसे हैंग किया यहाँ पर और ये कितना प्रिटी और कितना खूबसूरत से लग रहा है। ये प्रोजेक्ट आपने इस तरीके से बनाना है, वॉल हैंगिंग, इसका नाम है वॉल हैंगिंग फ्लावर्स, ठीक है, इस तरीके से आपने बना लेना है। अगर आपको कोई और आइडिया आ रहा है तो आप वो भी बना सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं और ये इजीली प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ओके क्लास, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।